वेल वक्त आ गया है इस घर को फिर से बाय बाय बोलने का, कुछ दिनों के लिए, महीनों के लिए, मुझे नहीं पता, बट वक्त आ गया इस घर को बाय बाय बोलने के लिए। अगर आपने मेरा 2020 का एक व्लॉग देखा तो मैं यहीं पे रुक के बोला था कि आई विल सी यू वंस अगेन मे बी इन फ्यूचर। तो आज मैं वही बोल रहा हूँ, आई विल सी दिस हाउस अगेन वंस अगेन इन फ्यूचर। पता नहीं, मैं इस घर में जब भी आता हूँ आई गेट इमोशन का अटैच, ऑब्वियसली बिकॉज ये घर मेरा, घर पूरा खाली हो चुका है एंड यहाँ पे सिर्फ एसी रखा हुआ है, पैक्ड है। यहाँ पे वार्डरोब जैसा पहले था, ये मेरा मैक्स है मेरे साथ, और इसके साथ मैंने यहाँ पे एक रेफ्रिजरेटर लिया हूँ जो यहाँ पे फिलहाल रख रहा हूँ। किचन है, ये घर है, सब कुछ है एंड मैक्स इज हियर विथ मी एंड वी बोथ आर ट्रैवलिंग टू नोएडा फ्रॉम बैंगलोर। अभी बज गए रात को 1:15, आपको अगर घड़ी दिख रहा है तो 1:15 बज गया एंड वी आर लिविंग फॉर नोएडा। अभी मैं नीचे जाता हूँ, नीचे जाके पूरा पहले अपना सामान तो सब कुछ पैक हो चुका है, बट मैक्स को लेके जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा और जो भी बैग वैग है सब कुछ मैं नीचे रख के आता हूँ एंड या विशेस लक। और हम दोनों बाप बेटा मिल के हम नोएडा ट्रैवल कर रहे हैं और साथ साथ में मजा करते रहेंगे। सो वेलकम बैक टू चैनल एवरीवन, आई होप यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन एंड यस, सेइंग दिस हाउस अब बाय बाय, आई विल सी यू सून इन सम मंथ्स, और आते रहेंगे, ये अपना ही घर है। तो चलो निकलते हैं, घर को लॉक करते, ठीक तरह से लॉक करते, मेन स्विचेस ऑफ करते, सारे MCBs डाउन करते और हम निकल पड़ते लेके प्रभु का नाम, और आज का वीडियो का शुरुआत करते हैं फ्रॉम बैंगलोर टू नोएडा। नोएडा के लिए बाय बाय, इस घर को फिलहाल के लिए। चलो वेल, मैक्स मेरे साथ गाड़ी में बैठ चुका है एंड वी आर ऑल सेट। मैंने कर दिया ट्रिप मीटर को, कर दिया जीरो एंड वक्त हो गया एग्जैक्टली 1:09, 1:10 को निकल जाएंगे, 1:10 को निकल जाएंगे। थोड़ा गाड़ी कर देता हूँ वार्म अप बिकॉज पूरी रात अभी गाड़ी चलनी है एंड द रूट वुड बी सेम एज यूजुअल, यहाँ से हैदराबाद, हैदराबाद से नागपुर, नागपुर से ग्वालियर, ग्वालियर से नोएडा। चलो दुखा दुखा सेम केस, मनाली जाने का टाइम है, जैसे गैस लीकेज हो रहा था तो मैंने गैस मुझे निकालना पड़ा था फोर्सफुली अटल टनल के वहाँ पे। आज मैं गैस निकाल रहा हूँ क्योंकि ना बहुत ज़्यादा स्मेल आ रहा था गाड़ी के अंदर एंड इनहेलिंग गैस इज़ नॉट एट ऑल गुड। तो यहाँ पे मैं कम्प्लीटली गैस पूरा खाली कर दूँगा, ज़्यादा था नहीं, आधा सिलेंडर था, निकालने में 10-15 मिनट टाइम लगेगा, तब तक मैं एक पी लेता हूँ, क्या बोलते हैं, मॉन्स्टर पी लेता हूँ ताकि एनर्जी बरकरार रहेगा। तो गैस निकाल देते हैं कम्प्लीटली एंड जस्ट अपोजिट टू शॉपर्स स्टॉप, ये बनाना घाटा रोड है, उस पर अपना मेट्रो का काम चल रहा है। अब ऑलमोस्ट अराउंड लग गया मुझे 1 घंटे के आसपास, अभी बज रहा है 2:16, एग्जैक्टली 1 घंटा लग गया मुझे गैस निकालने में एंड अभी भी मैं श्योर नहीं हूँ कि पूरा 100% निकला है, 100% नहीं निकला, थोड़ा थोड़ा अभी भी था, तो मैं बोला मैं छोड़ दिया, मैं बोला नहीं हो पाएगा अभी और मुझसे, बाद में कल सुबह सुबह कहीं पे निकाल देगा। क्या हो रहा है ना, गैस थोड़ा थोड़ा का लीक करता है ना तो बहुत ज़्यादा आपको इरिटेट करता है, डिस्टर्ब करता है, वो जो स्मेल है ना, आई हेट दैट स्मेल एक्चुअली जो गैस का है, तो जिसका ऐसे मैं सोचा नहीं चलो निकाल देते हैं एंड इट्स नॉट राइट इवन वो गैस का स्मेल लेके, आपकी गाड़ी एनक्लोज्ड है मेरा, ओपन तो मैं करता नहीं हूँ विंडोज़, तो वो गैस का स्मेल सूंघते सूंघते जाना इज़ नॉट गुड। एनीवे आई एम क्रॉसिंग विल्सन गार्डन नाउ, जस्ट विल्सन गार्डन एंड वेल अब जाके 2:55 3 बज रहा है और मैं एग्जैक्टली एयरपोर्ट के पास ही पहुंचा हूं अभी एंड एयरपोर्ट के पास नहीं पहुंचा हूं, हिब्बाल में पहुंचा हूं मैं तो हिब्बाल में पहुंचा हूं, यहां से कोशिश करूंगा थोड़ा लंबे टाइम पे जाने के लिए। मुझे सबसे ज़्यादा फिक्र हो रहा है मैक्स का, क्योंकि मैक्स अभी तक मैंने 1-2 बार ट्राई किया सुसु करवाने का, नहीं कर रहा है,
तो पता नहीं उसको नींद भी नहीं आ रहा है, सो भी नहीं रहा है। एक तो गैस का स्मेल है, गैस मैंने 99% निकाल दिया, तभी भी अभी भी लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा स्मेल आ रहा है। तो जैसे सुबह होगा मैं फटाफट कहीं पे रुकूंगा आधा घंटा, जब तक ये ज़ीरो नहीं होता है गैस मैं निकाल दूंगा, ये तो सिलेंडर ही फेंक दूंगा मैं, क्योंकि ऐसा है ना कि ये जो गैस का इन्हेलेशन इट्स नॉट गुड। तो एनीवे गाइस अभी निकलते आगे चलते क्योंकि सुबह होने वाला है एंड आई एम स्लाइटली हंग्री ऑल्सो। तो निकलते आई हैव समथिंग केक्स एंड ऑल टू ईट, बट आई नॉट ईट एट 3 AM इन द मॉर्निंग, और मे बी आई ट्राई टू ईट समथिंग। क्रोशे है मेरे पास तो आई ईट दैट एंड मे आई स्टार्ट कंटिन्यू माई ड्राइव। भाई साहब देख लो साउथ इंडिया का फॉग, हवा का फॉग यहाँ पे ऐसा है, हम जब पहुँचेंगे यमुना एक्सप्रेस वे में क्या होगा। एयरपोर्ट से निकल कर थोड़ा सा ही दूर हुआ है अभी, आप मैक्स तो सो रहा है, आई डोंट नो इट्स विजिबल और नॉट आप लोगों के लिए। मैक्स यहाँ पे थोड़ा सा नीचे करता हूँ, मैक्स यहाँ पे नीचे सो रहा है आराम से, तो मुझे इसका सोने का टेंशन नहीं है, वो आराम से गाड़ी में तो सो जाता है। सिर्फ वॉशरूम बाथरूम के लिए अभी तक उसने कुछ आवाज़ नहीं किया, होपफुली बाथरूम जब लगेगा तो थोड़ा बहुत इंडिकेशन देगा तो इमीडिएटली उतार के उसको वॉशरूम करवाना पड़ेगा बाथरूम। अदरवाइज सोफा सो गुड, थोड़ा सा नींद आ रहा है। एज यू ऑल नो कि मेरा ये चुरमुरा जो है ये मेरा बहुत काम आता है ड्राइविंग के टाइम में, ऐसे थोड़ा थोड़ा हाथ में लेता हूँ और मैं खाते जाता हूँ पूरी रात। एक तो क्या ये ड्राई है तो एसिडिटी होने का चांसेस नहीं है, बिकॉज आई एम वेरी मच प्रोन टू एसिडिटी। तो मैं बहुत ध्यान रखता हूँ जब रात को ड्राइव करता हूँ, ऐसा कुछ ना खाओ कि मुझे एसिडिटी ये हो जाए। तो या फॉग थोड़ा थोड़ा है, ज़्यादा नहीं है, जिस इज फॉग स्मॉग वॉट एवर यू कॉल इट वो है। एंड इस रोड पे ना हैदराबाद रोड पे मैंने लेटली जब लास्ट टाइम आ रहा था मैंने नोटिस किया है कि यहाँ पे बहुत सारा अचानक स्पीड ब्रेकर्स है, तो जिसका असर ना मैं 90-80 to 100 के बीच में ही रख पा रहा हूँ, उसके ऊपर मैं जा भी नहीं रहा हूँ। एक तो अकेले ड्राइव कर रहा हूँ इस बार एंड आई प्रोबेबली दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई एम ड्राइविंग 2000 किलोमीटर्स अलोन, आई वुड रादर से 2200 किलोमीटर्स अलोन। तो कोई हड़बड़ी नहीं है, बिकॉज अगर 2 दिन के जगह पे 3 दिन में पहुँचेंगे उसमें क्या है। कोई शपथ तो मैंने खाई नहीं है कि मुझे इतना टाइम फ्रेम में पहुँचना है। पीछे का सीट मैंने लगभग एम्प्टी रखा है, इनके अगर नींद आएगा दरवाज़ा अंदर से लॉक करूँगा, लंबा लेट जाऊँगा, आधा घंटे से ही लेटूँगा तो मज़ा आ जाएगा, बट रात को तो नहीं, कोशिश करेंगे दिन को सोनेगा। वेल ये मैं पहले भी दिखा चुका हूँ आप लोगों को, और एक बार दिखा देता जो मेरा इस चैनल में पहली बार आया है। दिस इज़ द किया फैक्ट्री विच इज़ वन एंड ओनली इन इंडिया। जितना आपके पास किया सेल्टॉस किया क्या क्या है, किया सेल्टॉस है, किया सोनेट है, और जो भी कैरेंस है, अगर कैरवन कैरेंस ऐसा कुछ है। वेल वी हैव जस्ट एंटर्ड आंध्र प्रदेश नाउ, क्योंकि ये जो आनंदपुर है ना दिस इज़ आंध्र प्रदेश, इसके बाद आएगा कर्नूल आएगा विच इज़ इन तेलंगाना एंड अगेन आई विल कम टू आंध्र प्रदेश। सो दैट्स हाउ इज इट, तेलंगाना थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा पार्ट है एंड देन अगेन विल स्टार्ट विद आंध्र प्रदेश। वेल आई हैव रीच जस्ट आनंदपुर, क्योंकि मैं थोड़ा इसको लेके मैक्स को लेके थोड़ा ज़्यादा कंसर्न हूँ मैं, क्योंकि ये बाथरूम वाथरूम नहीं कर रहा था, अभी आकर थोड़ा सा बाथरूम किया है, अभी बाथरूम कर लिया, थोड़ा खाना भी ब्रेकफास्ट भी खिला दिया, अभी मैं मुझे भी हल्का हल्का नींद आ रहा था तो मैं सो गया था रात। नाउ माई पप्पी इज एक्सपर्ट एनाफ, देखा एक सुसू क्या कर दिया, पापा का दिल खुश कर दिया। अभी हमने एक दुकान में रुका है, अभी चाय पियेंगे यहाँ पे, तो चाय का ऑर्डर दिया था मैंने, तो आई हैव टेकन सम टी। मैक्स को नीचे उतारूंगा नहीं, बिकॉज नीचे बहुत सारे स्ट्रीट डॉग्स है एंड आई डोंट वॉन्ट हिम टू गेट इन टच विद इन स्ट्रीट डॉग एंड ऑल। उसको उतारेंगे आराम से कोई अच्छे जगह पे, अभी फ़िलहाल उतारने का ज़रूरत भी नहीं है।
अभी ब्रश करने का टाइम ये हो गया है, सुबह 7:30-8 बज रहा है। तो आई थॉट कि मैक्स ने भी सुसु कर ही लिया है तो थोड़ा ब्रश वश कर लिया जाए। मैक्स को पॉटी करेगा, पॉटी देख ले तो इनके साथ। अगर मैक्स अगर पॉटी वोटी करे तो अच्छा है, नहीं किया तो ठीक है, करेगा तो और अच्छा है। लेट्स सी, क्योंकि मैं हाईवे के ऊपर है ना, मेरे को उसको छोड़ने में थोड़ा बहुत तो डर लगता है। बट एनीवे नीचे रखते मैक्स। क्या मैक्स, दिन का पहला डीजल ले रहा हूँ मैं, अभी फुल टैंक कर लेता हूँ, पता फिर हैदराबाद के बाद लूँगा मैं। मैक्स बड़ा थक गया है, मैक्स बहुत थक गया, एकदम टॉप अप कर देना एकदम। हाँ टॉप अप थोड़ा, मैक्स मेरा बच्चा बहुत थक गया है। कोई नहीं, तो डीजल लेंगे, थोड़ा नींद नहीं आता, कहीं पे आगे जाके ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट करने के बाद ही। तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे ऐसे आंध्रा में आपको टोटल आंध्रा में ना ऐसे ही मिलेगा जहाँ पे खाना खा सकते हो। तो मैं अभी यहाँ पे वड़ा ले रहा हूँ मैं, सो आई होप दिल दिस लुक्स गुड। गाड़ी में बैठे बैठे खा लेता हूँ, क्योंकि एक तो नो बोशो, यू हैड योर ब्रेकफास्ट नो? डिलीशियस। हैदराबाद लगभग 150 किलोमीटर के आसपास है, एंड अभी जाकर सुबह थोड़ा बहुत रोड मुझे अच्छा मिला है तो मैं भगा रहा हूँ। अदरवाइज़ तो अगर कर्नूल के उस पार तो इतने सारे स्पीड ब्रेकर, क्या भगा नहीं सकते हो। मैक्स भी थोड़ा बहुत सुसु किया है, थोड़ा सो रहा है, एंड ही इज डाउन, स्लीपिंग डाउन, एकदम नीचे चला गया है, जो दिख ही नहीं रहा, आपको दिखेगा ही नहीं। जहाँ पे फुट स्टेप है ना, वहीं पे चला गया है और वहाँ पे जाके सो रहा है वो। ठीक है, क्योंकि ऊपर एक्चुअली धूप लग रहा था, उसको थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था फेस पे धूप, क्योंकि घर में रहता है धूप आता नहीं है, थोड़ा यूज तो होगा सब होगा। अभी हमने क्या किया, ये हाईवे है, हाईवे से थोड़ा नीचे उतर गया, और मैक्स देखो गाड़ी में चढ़ने के लिए कैसा कर रहा है। खाना उसका एक्चुअली खाना यहाँ पे बनने के लिए दिया हूँ मैं, तो खाना बन रहा है, खाना बन रहा है। इन द सेंस पेडिग्री का क्या होता है, गर्म पानी से भिगोने के बाद थोड़ी देर रखना पड़ता है तभी वो भीगता है। और ये देखो गाड़ी में चढ़ने के लिए उतावला हो रहा है बेचारा, उसको भूख लगा है। इधर मैक्स को खाना खिलाने लगा हूँ, और इस तरफ मैं कर रहा हूँ थोड़ा गैस को निकाल रहा हूँ मैं, क्योंकि गैस ना बहुत ज़्यादा ये हो रहा था, लीक हो रहा था, गाड़ी के अंदर साला नींद आ जा रहा है, इतना ज़्यादा लीक पड़ा है। मैक्स थोड़ा, मैक्स का खाना ना उस हिसाब से पिघल नहीं रहा है जिस हिसाब से पिघलना चाहिए, तो पता नहीं क्यों गर्म पानी का इशू हो रहा है। बट घर में भी इतना ज़्यादा मैं तो गर्म करता नहीं हूँ खाना, बेचारा आज ना खाना खा के मज़ा नहीं आ रहा है इसको। कोई नहीं, देखते कुछ तो करते हैं मैक्स तेरे लिए। पानी पी लो अच्छे तरीके से, तो पानी वानी पिला रहा हूँ उसको, ताकि थोड़ा मोशन वोशन थोड़ा ठीक हो जाए उसका। अभी थोड़ा 10-15 मिनट रुकते हैं, क्योंकि ज़रूरी है उसके लिए। मैं तो ठीक हूँ, बट ठीक है मेरे को 2 दिन के जगह पे 3 दिन लग जाएगा। बट व्हेन आई हैव अ स्मॉल बेबी, अ स्मॉल आई वुड से स्मॉल इन्फेंट विथ मी, आई शुड बी एक्स्ट्रा कॉशियस। ज़रूरत पड़े आई विल स्टे अनदर 1 more day, मतलब सफ़र को मैं 2 दिन के जगह पे 3 दिन आई विल एक्सटेंडेड, बट दैट्स ओके, आई एम ओके विद दैट। मुझे कोई रेस नहीं खेलना है, कि मुझे किसी को दिखाना नहीं है कि मैं 2 दिन के अंदर पहुंच गया हूं। वैसे दिल्ली बैंगलोर में इतना बार 2 दिन में किया हूं, आप लोगों को पता ही है, आप लोग अगर मेरा वीडियो देखते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। पिछले बार मैंने नोएडा टू हैदराबाद 1650 किलोमीटर 30 घंटे में मार दिया, बट वो था सब बड़े थे, आज तो मेरे साथ छोटा बच्चा है, तो मुझे वो सब का ध्यान रखना पड़ेगा। चलो गाइस इसको थोड़ा साफ़ सफाई करता हूँ, थोड़ा मैच का 40 का इंतज़ार करता हूँ, फिर आगे बढ़ते कहानी, आगे बढ़ाते कहानी।